press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome back to my channel Beauty Blog. आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि एलोवेरा जेल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम लोगों की स्किन और बॉडी के लिए और आप किस तरह एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन और बॉडी पे। मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल के ब्रांड्स आते हैं तो उसमें से कुछ का नाम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। तो फर्स्ट है पतंजलि एलोवेरा जेल, सेकेंड है वाओ एलोवेरा जेल, थर्ड है खादी नेचुरल एलोवेरा जेल, फोर्थ है फैब इंडिया एलोवेरा जेल, फिफ्थ है फॉरेस्ट एसेंशियल प्योर एलोवेरा जेल। ये सब मार्केट में आते हैं और भी आते हैं बट ये अच्छे ब्रांड्स हैं एलोवेरा जेल के। तो चलिए बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप कभी कभार थोड़ा बहुत जल जाते हैं तो उस पर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए और ये सनबर्न के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एलोवेरा जेल, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं सनबर्न के लिए भी। और भी बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप कभी कभार थोड़ा बहुत कट जाते हैं तो उस पर भी आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। ड्राई स्किन के लिए भी आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन को ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और अगर आपके एक्नी है तो उस पर भी आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ग्लोइंग और हाइड्रेटेड स्किन के लिए एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। बहुत सारे वेज होते हैं एलोवेरा जेल को यूज़ करने के। पहला वे है कि आप एक एलोवेरा की लीफ कट कर लीजिए और उसमें से जेल एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्टली अपने फेस पे लगाइए। सेकंड वे है कि आप उसमें थोड़ा सा आलमंड ऑयल मिक्स कर लीजिए, फिर अपने फेस और नेक पे लगाइए और उसको रात भर लगा रहने दीजिए और सुबह धुल दीजिए। आप घर पे एलोवेरा मास्क बना सकते हैं। अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको एलोवेरा जेल लेना है, उसमें 10 टू 12 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डालना है, उसके बाद उस पेस्ट को अपने फेस पे लगाना है और रात भर लगे रहने देना है। ऐसा आपको वीक में दो बार करना है। ड्राई स्किन के लिए आपको एलोवेरा जेल हनी और कुकुम्बर का एक पेस्ट बनाना है, उसको 20 मिनट तक अपने फेस पे लगाना है और फिर वॉश कर देना है। नॉर्मल या सेंसिटिव स्किन के लिए आपको एक बनाना मैश करना है बाउल में, उसमें 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डालना है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स आपको रोज़ वाटर डालना है। इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, देन फेस पे अपने लगा लेना है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपके फेस को ब्राइटन अप भी करेगा। इसको हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप एलोवेरा जेल को कैसे अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपको हेल्दी हेयर्स चाहिए हैं तो आपको इक्वल क्वांटिटी में एलोवेरा जेल और अनियन जूस लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद उस मिक्सचर को अपने स्कैल्प पे लगाना है और 30-45 मिनट्स के बाद आपको अपने हेयर को वॉश कर देना है। ये रेमेडी आपको वीक में दो बार करनी है। अगर आपके डैंड्रफ है तो आपको एलोवेरा जेल और एप्पल सीडर विनेगर की रेमेडी यूज़ करनी है मंथ में दो बार। आपको एक कप एलोवेरा जेल में 2 टेबल स्पून एप्पल सीडर विनेगर मिक्स करना है और इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पे लगाना है और 30 मिनट्स के बाद आपको अपने हेयर्स को वॉश कर देना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।